अध्याय दो। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से डाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लोहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। सो मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था, और निश्चय वो बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम मुझसे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वो मसीही के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर
मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करें।